ओके सो यू आर अ यंग एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर जो वीडियो बनाना चाहता है, तुम्हारे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, स्क्रिप्ट है, सेटअप है एंड तुमने अच्छे से शूट भी कर लिया है, बट यू डोंट नो हाउ टू एडिट। यू गो टू इंटरनेट ओनली टू नो दैट कैपकट ही एक ऐसा टूल है जिससे आप फ्री में हाई क्वालिटी वीडियोस को एडिट कर सकते हो। डाउनलोड कैपकट, वीपीएन ऑन करते हो एंड नाउ यू आर इनसाइड कैपकट। अब तुम्हें पता है कि विद कैपकट यू कैन ट्रिम, स्प्लिट, मर्ज योर क्लिप्स, स्पीड रैंप, एड ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स, एनिमेट योर वीडियोस विद की फ्रेम, एड रोटोस्कोपिक इफेक्ट, फेस ट्रैकिंग, टाइटल्स, टेक्स्ट, फिल्म इफेक्ट, एसएफएक्स म्यूजिक एंड एक्सपोर्ट इन हाई क्वालिटी। बट यू डोंट नो ये होगा कैसे, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। इन जस्ट 20 मिनट्स आप कैपकट में वीडियो एडिटिंग के मास्टर बन जाओगे, मतलब 20 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है। ओके, तो सबसे पहले आपको ना कैपकट डाउनलोड कर लेना है एंड एक वीपीएन भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इंडिया में कैपकट बिना वीपीएन के नहीं चलता, ठीक है। अब अपना कैपकट ओपन करते हैं एंड ओपन करते हैं आपके पास ये लॉगिन के लिए पूछेगा, आप इसको सिंपली कट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कैपकट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये नए टूल्स है जो कैपकट के अंदर ऐड होते रहते हैं एंड इन सभी को आप अंदर प्रोजेक्ट के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई चीज़ क्विकली यूज़ करनी हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोटो एडिटर है, एक एआई पोस्टर, एआई मॉडल, सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसके अलावा सबसे पहले सेटिंग आपको क्या करनी है, कैपकट को खोलते ही आपको यहाँ से आना सेटिंग्स में एंड मेक श्योर आपका ये ऐड डिफॉल्ट एंडिंग ऑफ रहे। इससे क्या होगा ना, आपकी वीडियो के एंड में वो कैपकट का लोगो नहीं आएगा, आपको बार बार मैनुअली खुद से डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पर आपका आता है न्यू प्रोजेक्ट का बटन, जहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड नीचे आपके कुछ पास्ट के प्रोजेक्ट आ जाएंगे जो आपने रिसेंटली बनाए होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अपना एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड अपनी क्लिप को सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे पास मेरी एक ये क्लिप है एंड यस, आप अपनी क्लिप को ना ऐसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे देख के। तो मेरे पास मेरी ये क्लिप है, इसको टिक करते हैं। फिलहाल मैं एक ही क्लिप इंपोर्ट करता हूँ, पहले आप चाहो तो बहुत सारी क्लिप्स, फोटो, वीडियो सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, इवन आप जिफ को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड इंपोर्ट करते टाइम आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप चाहो जितना पार्ट रखना चाहते हैं वीडियो को आप उतना पार्ट रख सकते हैं। तो इसको हम अंदर भी कर सकते हैं ट्रिम, तो यहाँ पे इसको छोड़ते हैं एंड जस्ट इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है कैपकट का इंटरफेस। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये वाला बटन मिलता है जहाँ से आप लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक टैबलेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ये लेआउट थोड़ा चेंज होने का ऑप्शन इसमें आ रहा है, तो आई थिंक ये ऐसे ही सही है, आपके फ़ोन में भी ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे वीडियो क्वालिटी पूछा, जैसे 1080p है, आप इसको 4K तक रख सकते हैं एंड फ्रेम रेट आप 60fps भी कर सकते हैं एंड सेम बिट रेट को भी आप बढ़ा सकते हैं। जितना हाई आपका बिट रेट होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी आपकी वीडियो की रहेगी, बट बिट रेट को एक्स्ट्रा बढ़ा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते टाइम आपके बिट रेट्स वैसे भी कम हो जाते हैं, सो इसको बाय डिफॉल्ट जितना है उतना ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो बटन है, यहाँ से आपकी वीडियो जो है एक्सपेंड हो जाएगी, जो भी आप प्रीव्यू देख रहे हैं इसको आप बढ़ा सकते हैं फुल स्क्रीन पर अपना देख सकते हैं। अब देखो कैपकट में आपको दो तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आपके पास जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आपने कोई भी क्लिप सेलेक्ट नहीं किया है और आपको ये बेसिक ऑप्शन मिल रहे हैं जैसे एडिट, ऑडियो, टेक्स्ट, ओवरले, इफेक्ट, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे अपनी क्लिप को आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे ना, आपके पास नए ऑप्शंस कुछ खुल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है स्प्लिट का, जहाँ से अपनी वीडियो को आप ट्रिम कर सकते हैं। तो मान लो मुझे स्टार्टिंग का ये पार्ट हटाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं यहाँ पर ट्रिम करूँगा एंड मेरी वीडियो यहाँ से दो पार्ट में कट हो जाएगी। अब मैं स्टार्टिंग के पार्ट को यहाँ से सिंपली डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से वीडियो स्टार्ट करी एंड सपोज यहाँ तक मुझे चाहिए, तो फिर मैं दोबारा स्प्लिट करूँगा और फिर नेक्स्ट जहाँ से मैं बोलना स्टार्ट करूँगा वहाँ पे मैं इसको रख दूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो स्प्लिट करूँगा एंड बीच का पार्ट सिंपली मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो इस तरीके से अपनी वीडियो में आप कट लगा सकते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। मैं फटाफट से अपनी वीडियो में कट लगा लेता हूँ एंड फिर दिखाता हूँ आपको। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ रफ कट्स लगा लिए हैं एंड ये है मेरी फाइनल वीडियो। अब चाहो यहाँ पे और भी क्लिप्स को ऐड कर सकते हो, जस्ट यहाँ पर आपको आना है एंड ये प्लस के बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो अपनी ऐड कर सकते हो, मान लो आपको कोई और पार्ट लगाना है वीडियो में, सपोजिंगली हमें एक ये पार्ट ऐड करना है मान लो, जस्ट हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे एंड ये देखिए ये आपकी क्लिप यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो वीडियो हमारी ट्रिम हो चुकी है। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पीड का, जहाँ से अपनी स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हो। अपनी वीडियो क्लिप की स्पीड को आप यहाँ से पूरा बढ़ा सकते हो, मान लो आपको 2x करनी है, 3x, 4x, 100x तक करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो एंड ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पीड के आपके पास दो ऑप्शंस है, एक आपका नॉर्मल स्पीड एंड एक आपका कर्व। आप ऐसे की फ्रेमिंग करके भी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मतलब पहले आपकी स्पीड नॉर्मल हो, फिर बिल्कुल कम हो और फिर ज़्यादा हो जाए, इस तरीके से। ये बहुत सारे इसमें प्रीसेट्स बने हुए हैं एंड आपने ऐसी मोंटाज वाली एडिटिंग देखी कि उसमें ये चीज़ होती है एंड आप ये कर्व्स को कस्टम भी बना सकते हो। अगर आप कस्टम एडिटिंग करना चाहते हो तो ये देखो अपने हिसाब से आप स्पीड पहले कम करो, फिर ज़्यादा करो, फिर दोबारा कम कर दो, फिर फुल कर दो, तो ये चीज़ आप कस्टम खुद ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम इसको रीसेट करते हैं, हमारी क्लिप में स्पीड का कोई काम नहीं है, इसको हम फिट पे क्लिक करते हैं। स्पीड के बाद आपके पास यहाँ पे एनिमेशन का इफेक्ट है कि आपकी क्लिप का जो इन एंड आउट एनिमेशन वो आप कैसे रखना चाहते हैं। जब आपकी क्लिप स्टार्ट हो तो स्टार्ट में आपके पास कोई एनिमेशन चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सिमिलरली आपके आउट में भी यहाँ पे बहुत सारी एनिमेशन हैं, जैसे देखिए फेड आउट का है एक, या फिर इस तरीके से रोटेशन है, यहाँ पे बहुत ही कूल एनिमेशन है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं एंड इवन यहाँ पे कॉम्बो भी है, अगर आप चाहते हो कि इन एंड आउट दोनों में एक कॉम्बो एनिमेशन लग जाए तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से एंड यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहते हो इसको बहुत ही कम रखते हैं इफेक्ट को एंड यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इफेक्ट है, 3D वाले हैं और पता नहीं क्या क्या है। आई पर्सनली सजेस्ट ये पायरेट शिपिंग वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने वीडियो के हिसाब से आप यहाँ से कोई भी इंट्रो एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नन पे रखता हूँ
इसके बाद आपके पास आते हैं स्टाइल। स्टाइल में आपको बहुत सारे नए नए स्टाइल मिल जाते हैं, जैसे कि अपनी वीडियो में आप यहाँ से फ्लैश वाला इफेक्ट डालना चाहते हैं तो ये आपकी बीट्स को डिटेक्ट कर लेगा एंड वेलोसिटी एडिट आपके लिए कर देगा। बीट जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ही क्या करेगा, फ्लैश ऐड कर देगा। तो फिलहाल हमारी वीडियो में कोई म्यूजिक नहीं है, मैं आपको ना एक म्यूजिक वाली वीडियो इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। पहले जैसे मैं यहाँ से एक वीडियो ऐड करता हूँ अपनी म्यूजिक वाली, एक जो ये वीडियो इसको हम ऐड करते हैं, तो ये हमारी एक म्यूजिक वाली वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब आपको दिखाता हूँ इस पे कैसे काम करते हैं ये स्टाइल्स। स्टाइल पर जाते हैं एंड ये देखिए फ्लैश का इफेक्ट हम चूज़ करते हैं, ये अपने आप म्यूजिक को डिटेक्ट करेगा एंड जहाँ पर भी बीट होगी वहाँ पर एक फ्लैश ऐड कर देगा। अब आप देखिए ये देखिए ये ना फ्लैश ऐड कर रहा है। इस तरीके की एडिटिंग ना वेलोसिटी एडिटिंग कहलाती है एंड यहाँ पर आप जहाँ पे भी बीट ड्रॉप होती है वहाँ पे कोई ना कोई एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ये वेलोसिटी वाले इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये फोटो के इफेक्ट्स हैं जो आप अपनी फोटो में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें फोटो एडिट करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक फोटो इंपोर्ट करके। तो सपोज़ हमारे पास एक ये फोटो, इसको हम ऐड करते हैं एंड अब देखते हैं इसके लिए क्या क्या स्टाइल्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर देखिए AI पेंटिंग के स्टाइल्स हैं बहुत सारे। ऑटो फिल का स्टाइल है जहाँ से अपनी फोटो में ना अपने आप जूम आउट हो जाएगा और ये जनरेटिव फिल कर देगा, मतलब तरीके से फोटोशॉप वाला काम ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कर रहा है। ये देखिए इसने अपने आप फिल कर दिया, हालांकि इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ये काम करता है। एंड यहाँ पर बहुत सारे फोटो के ऑप्शन है, आप चाहो अपनी फोटो में फेस को चेंज कर सकते हो। ये इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, फोटो स्लिंग वाला। आप अपनी नॉर्मल 2D इमेज को ना बिल्कुल 3D इमेज बना सकते हो इससे, ये देखिए। तो जब भी आपको अपनी वीडियो में कहीं पे फोटो शो करने हो तो आप यहाँ से ये वाले स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे मोशन वाले हैं और पता नहीं क्या क्या है। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, पॉपअप एल्बम इफेक्ट। ओ जैम भाई क्या 3D लग रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फोटो इफेक्ट्स हैं, ये सारे फोटो के लिए काम आते हैं, ठीक है। फेस स्वैप कर सकते हो आप फोटो में, पोर्ट्रेट इफेक्ट है, साइबर पंक पेंटिंग, पता नहीं क्या क्या है। इन सब को आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्टाइल वाला टैब कवर हो गया। इसके बाद आपका डिलीट का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं क्लिप कोई भी। एंड नेक्स्ट अगर हम सेलेक्ट करेंगे किसी क्लिप को तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं, एनहांस वॉइस। अगर आपकी वीडियो में वॉइस आपको एनहांस करनी है, जैसे मेरे पास ये वॉइस है इतनी अच्छी नहीं है मान लो, तो मुझे ये एनहांस वॉइस क्लिक करना है एंड ये अपने आप मेरी वीडियो में जो है नॉइस रिड्यूस कर देगा ऑडियो में से। तो देखो ये AI का यूज़ करके हमारी ऑडियो में से नॉइस को रिड्यूस कर देगा एंड ऑडियो को क्लीन अप कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ से वॉइस आइसोलेशन का फीचर। यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने ऑडियो में से वोकल्स को अलग निकाल सकते हो एंड म्यूजिक को अलग निकाल सकते हो। मान लो आपके पास कोई म्यूजिक है उसमें आपको बस वोकल रखना है तो आप की वोकल पर क्लिक करोगे। इसके लिए मैं पहले एक वीडियो एड करके दिखाता हूँ आपको ये म्यूजिक वाली। एंड देखो इस वाले म्यूजिक में से ना मैं जस्ट वोकल को अलग निकाल सकता हूँ, वॉइस आइसोलेशन पे क्लिक करेंगे एंड की वोकल्स ओनली पे क्लिक करते हैं। ये इस सॉन्ग पे इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा लेकिन हाँ आप किसी भी सॉन्ग में से वोकल्स अलग निकाल सकते हैं एंड वोकल्स को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये ना आपके वहाँ पे काम आएगा जब आप कोई म्यूजिक यूज़ करना चाहते हैं एंड उसमें से आप चाहते हो कि वोकल्स गायब हो जाए, बस उसका इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये तब आपके बहुत काम आएगा। इसके नेक्स्ट आपके पास है कैमरा ट्रैकिंग का ऑप्शन, जिससे अपने फेस को आप एक जगह पे लॉक कर सकते हो। जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं एंड ये देखिए AI मूवमेंट एंड कैमरा ट्रैकिंग। तो AI मूवमेंट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ये डायनेमिक जो आपने देखा होगा बहुत सारे डांसर यूज़ करते हैं इस तरीके का, कि अब उनकी बॉडी एक ही पॉइंट पर रहती है लेकिन पूरा कैमरा मूव होता रहता है, तो ये इस चीज़ से हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये लगा के एक बार डायनेमिक वाला एंड आप देखिए देखिए मेरा हेड एक ही पार्ट पे है लेकिन पूरा फ्रेम अपने आप मूव हो रहा है जबकि मैंने कैमरा हिलाया भी नहीं है। तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा ट्रैकिंग ऑप्शन भी है जहाँ से अपने फेस को आप बिल्कुल ट्रैक कर सकते हो या फिर हैंड को या फिर पूरी बॉडी को ट्रैक कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ फेस ट्रैक करके एंड देखिए जैसे जैसे मैं अपना फेस हिलाऊंगा ना ये पूरा फ्रेम हिलता जाएगा, फेस एक ही पॉइंट पर लॉक इन रहेगा। तो ये इफेक्ट ना कभी कभी अपनी रील में आप डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद आपके पास यहाँ से वॉल्यूम का ऑप्शन है जहाँ से अपने क्लिप का वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं एंड जैसे आप लाउडनेस एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे तो सारी क्लिप्स का वॉल्यूम बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा एंड क्लिप कोई भी पार्ट नहीं होगा। उसके बाद ये एडिट जहाँ से अपनी वीडियो में आप रोटेशन कर सकते हो या फिर अपनी वीडियो को यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हो आप एंड क्रॉप करना कोई पार्ट तो आप वो भी क्रॉप कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 9:16 करना है, 16:9 करना है, सारी चीज़ यहाँ पर है। फिलहाल हम इसको फ्री पे ही रखेंगे। एंड लास्टली आपके पास यहाँ से ऑटो रीफ्रेम का ऑप्शन है। मान लो आपने कोई यूट्यूब वीडियो शूट किया 16:9 के रेशियो में एंड आप उस वीडियो को रील में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे ऑटो रीफ्रेम पे क्लिक करेंगे एंड ये आपके फेस को हमेशा सेंटर में रखेगा। मान लो मुझे यहाँ से ये वर्टिकल वीडियो को जो है स्क्वायर वीडियो बनाना है तो देखो ये हमेशा मेरे फेस को सेंटर में रखेगा और फ्रेम को अपने हिसाब से मूव करता रहेगा। नेक्स्ट आपको अगर अपनी वीडियो में बैकग्राउंड को रिमूव करें तो आप यहाँ से कटआउट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी वीडियो में से बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा बिना किसी ग्रीन स्क्रीन के भी। जस्ट आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है एंड ये देखिए ये बिल्कुल इसने पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब आप चाहो यहाँ पे कोई भी नया बैकग्राउंड लगा सकते हो। बैकग्राउंड कैसे लगाना है आपको, जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ओवरले का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड ये क्लिप आपकी ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगी। अब नीचे जो भी आप इमेज लगाओगे वो इसका बैकग्राउंड बन जाएगा, जैसे ये इमेज यहाँ पे अभी बैकग्राउंड बन रही है। तो ये देखिए आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं एंड इवन इस क्लिप को आप अपने अलग अलग लेयर्स पे भी लेके जा सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे लेयर्स पे आना है, अभी हमारे पास एक ही लेयर है लेकिन हम यहाँ से कोई भी और क्लिप को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड लेयर्स पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से मान लो हमें एक फोटो ऐड करनी है एंड अब देखिए नेक्स्ट लेयर पर हमारी ये फोटो आ चुकी है। अब इस वाली फोटो को हम इसके नीचे भी रख सकते हैं, जैसे मान लो मुझे अपने पीछे से कोई इमेज या टेक्स्ट निकाल के लेके आना है तो ये मान लो ये इमेज मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी के पीछे से, बैकग्राउंड एंड मेरी बॉडी के बीच में हो,
तो मैं यहाँ पर आऊंगा लेयर्स पे एंड मैं इसको वन पे रख दूंगा एंड अब देखिए ये ऐसे निकल के आ रही है यहाँ से। इस तरीके से आप अपनी वीडियो में ना कुछ भी बैकग्राउंड में से टेक्स्ट या फोटो को निकाल सकते हो एंड जो भी ये टेक्स्ट या फोटो आप निकालोगे इसमें आप एनिमेशन को भी ऐड कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर आना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एनिमेशन दिखाएगा, इन एंड आउट एनिमेशन एक चूज कर लेते हैं, कॉम्बो सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, मान लो हमें एक ये चूज करना है एंड अब देखिए ये देखिए इस तरीके से आपकी वीडियो में आप कोई भी टेक्स्ट या इमेज लगा सकते हैं आप देखिए। तो आई थिंक ये आप समझ चुके हो कि मल्टीपल लेयर्स में आपको कैसे काम करना है एंड इस तरीके के इफेक्ट आप जो रील्स में देखते हो ना कि सब्जेक्ट के पीछे से कोई ना कोई टेक्स्ट या इमेज निकल के आ रही है वो आप बहुत ही सिंपली ऐसे बना सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक बेसिक ऑप्शन आता है जहाँ से अपनी वीडियो में आप पोजीशन को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ऐसे लेफ्ट राइट कर सकते हो, तो ये चीज़ आप मैनुअली भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट आपको ये पकड़ना है और इसको जूम आउट जूम इन ऐसे भी कर सकते हो, आपको बटन से जाकर करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास आते हैं बहुत सारे फिल्टर्स जहाँ से अपनी वीडियो में आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो एंड यहाँ पर देखते हैं क्या क्या फिल्टर्स हैं। ओके, फूड वाले फिल्टर्स हैं बहुत सारे, तो आई सजेस्ट आप इन फिल्टर्स का यूज़ करने से अच्छा मैन्युअली खुद अपनी क्लिप को एडजस्ट करो। यहाँ पर चलते हैं एडजस्ट में एंड यहाँ पर आपको सारे कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, इवन आपको यहाँ पे कलर व्हील भी मिल जाते हैं, आई थिंक कलर व्हील प्रो वर्जन के लिए, पीसी वर्जन के लिए, तो उसका रहने देते हैं। एक्सपोजर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मान लो मुझे वीडियो में थोड़ा सैचुएशन कम लग रहा है, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। फिर आपके पास यहाँ पे कर्व टूल मिल जाता है जिसे आप पूरी एडिटिंग अपने आप कर सकते हो एंड यहाँ पर आप चाहो तो शेडो हाईलाइट सब कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ से हल्की सी शेडो में ब्लू टोन डाल सकता हूँ एंड हाईलाइट में येलो टोन डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से पूरी एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, टेम्परेचर यू वगैरह सब चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। वीनेटिंग थोड़ा सा ऐड करोगे तो आपकी वीडियो बैकग्राउंड से थोड़ा ब्लैक हो जाएगा एंड डन, कलर ग्रेडिंग यहाँ से हो जाएगी। फिर लास्टली आपके पास यहाँ से रीटच का ऑप्शन भी है जहाँ से अपनी वीडियो में अपना स्किन को रीटच कर सकते हो। यहाँ पर रीटच पर क्लिक करते हैं एंड पूरे फेस को आप रीटच कर पाओगे। देखो स्किन टोन को आप करेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो वार्म वाइट स्किन रख सकते हो। देखो ये सारे इफेक्ट अपनी वीडियो में आप लगा सकते हो लेकिन आई डोंट सजेस्ट क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी आई थिंक थोड़ी सी लॉस हो जाती है। रीशेप कर सकते हो फेस को, आप चाहो अपनी जॉ लाइन वगैरह सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मेकअप के ऑप्शन है, इस पर हम नहीं जाएंगे, इसको हम अंडू करते हैं एंड डन। फिर आपकी बॉडी पे भी आप बहुत सारी रीशेपिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको बॉडी स्लिम करनी है, लेग्स पतले करने हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा लास्टली आपके पास है ये मास्क वाला ऑप्शन, जैसे आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा ना ऐसे सर्कल आता है ऊपर एक, वो आप इस मास्क टूल से बना सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से देखो आप एक सर्कल चूज कर लोगे तो ये देखो आपकी वीडियो एक छोटे से सर्कल में आ जाएगी। इस बटन से आप इसका फीडर कम या ज़्यादा कर सकते हो एंड इससे आप इसका रेडियस जो है छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये आप ऐसे रख सकते हो, मान लो आपने ये रख लिया, अब आप इसकी पोजीशन कहीं पर भी एडजस्ट करो और आपकी पूरी वीडियो नीचे कुछ और लगा दो, ऊपर आपका ये ऐसे सर्कल आता रहेगा। ये सेम सर्कल ना अपनी आप किसी भी वीडियो में बना सकते हो। मान लो मेरे पास मेरी एक ये वीडियो एंड मैं चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो पर ना एक सर्कल आ जाए मेरा, तो पहले मैं वो सर्कल वाली वीडियो इंपोर्ट कर लूँगा जो मैं सर्कल पर लेके आना चाहता हूँ। मान लो हमारी एक सपोज ये वाली वीडियो, ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं मास्क पर जाऊँगा, ये देखिए लास्ट में आपको मिलेगा मास्क वाला ऑप्शन एंड मैं इसका एक सर्कल बना लूँगा ऐसे एंड अब मैं इसको यहाँ से ऊपर रख दूँगा छोटा सा ऐसे करके एंड देखिए पूरी वीडियो में अभी साथ साथ चलता जाएगा। इसको ऐसे आप मूव भी कर सकते हैं एंड देखिए वो मेरे पैसे ले जाता है भाई, कभी तो मेरे पैसे। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका है कि कैसे टेक वीडियोस में लोग ऐसे सर्कल सा लगा लेते हैं। ये सब भी आप कैपकट के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से कॉपी का ऑप्शन आता है जहाँ से अपनी क्लिप को आप कॉपी कर सकते हो, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। मान लो आपने यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया, अब आपकी ये क्लिप यहाँ पर आ चुकी है एंड मैं चाहता हूँ कि ये नीचे लेयर पर आ जाए। ठीक है, तो जस्ट मैं ओवरले पर क्लिक करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा एंड आपको एक बहुत ही कूल इफेक्ट बना के दिखा दूँ। मान लो ये हमारी पहली लेयर है, मैं इसका क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। अब जस्ट मैं कटआउट पर क्लिक करता हूँ एंड रिमूव बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ एंड डन हो चुका है। अब आपके पास दो लेयर आ चुके हैं एंड आप इन दोनों लेयर्स के बीच में कोई भी इमेज या फिर ओवरले ऐड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे ऐड ओवरले पे क्लिक करते हैं एंड मान लो मुझे इन दोनों लेयर्स के बीच में से एक फोटो को निकालना है। सपोज हमारे पास एक ये फोटो है, हमें इसको लेकर आना है। तो देखो अब हम इन दोनों वीडियोज़ के बीच में ना एक इस फोटो को रखते हैं। जस्ट हम आएंगे यहाँ से एंड इस फोटो की लेयर चेंज करेंगे। जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसको लेयर टू पर लेके आते हैं, लेयर वन पर लेके आते हैं एंड ये देखिए ये हमारे पीछे से निकल के आ रही है। सिमिलरली इसमें आप इन आउट एनिमेशन रख सकते हैं कोई भी। जस्ट हम यहाँ पे आते हैं एनिमेशन एंड मान लो हमने इन में रख दिया, ये नीचे से इसको ऊपर लेके आते हैं, मान लो स्लाइड अप करते हैं, बहुत ही छोटा टाइम रखते हैं इसके एनिमेशन का एंड ये देखिए इस तरीके से आपके लिए पूरी एक इमेज बन जाएगी जो कि बैकग्राउंड में आपके आ रही है एंड आप देखिए स्टार्टिंग से इसको लेके आते हैं यहाँ पे ड्रैग करके एंड लेट्स सी।
तो इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव नहीं हुआ एंड हमारे पीछे से कोई टेक्स्ट या फिर इमेज भी आ सकती है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है मोशन ब्लर का ऑप्शन, जहाँ पे आप अपनी क्लिप पे मोशन ब्लर को ऐड कर सकते हो। मान लो कोई बहुत ही फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें अगर आपने मोशन ब्लर लगा दिया ना तो मस्त आपकी वीडियो में ऐसे सिनेमेटिक फील आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। स्टेबलाइज का ऑप्शन से आप अपनी वीडियो को स्टेबल कर सकते हो। मान लो आपकी वीडियो बहुत ही हिलती डुलती कोई वीडियो है, मान लो आपने कोई फोन से रिकॉर्ड करी वीडियो, जैसे मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ एक वीडियो। ओके, तो सपोज हमने एक ये वीडियो यहाँ पर ऐड करी, ये बहुत ही हमने फोन से क्लिक की थी वीडियो एंड ये इतने स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर जस्ट आएंगे लास्ट में एंड ये देखिए स्टेबलाइज। तो हल्की फुल्की क्रॉपिंग के बाद ये जो है आपकी वीडियो को स्टेबल कर देगा। रिकमेंडेड भी रखते हैं इसको एंड अब देखिए इसने काफ़ी हद तक पूरी क्लिप को स्टेबल कर दिया है। आप इसकी इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा आपकी वीडियो क्रॉप ज़्यादा होगी। इसके बाद आपके पास ओपेसिटी का ऑप्शन है। आपको पता ओपेसिटी से क्या होता है, आप जैसे अपनी क्लिप की जो है इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो बेसिकली। तो ये आप अगर मल्टीपल लेयर्स पर यूज़ कर रहे हो तो आपका काम आएगा। फिर आपके पास रिवर्स का ऑप्शन है, यहाँ से अपनी क्लिप को आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये क्लिप थी, जैसे रिवर्स पर क्लिक किया एंड ये पूरी क्लिप ऐसे रिवर्स चलने लग जाएगी। आप देखिए ये बच्चा पीछे चलने लग गया। तो सिंपल आप ये तो समझ चुके होंगे। फ्रीज से आप क्या करते हैं, कोई फ्रेम को आप फ्रीज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक ये वाला पार्ट है, मैं चाहता हूँ ये वाला फ्रेम हमारा फ्रीज हो गया, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए। तो जस्ट हम फ्रीज पे क्लिक करेंगे एंड ये देखिए ये फ्रेम फ्रीज हो चुका है। इसमें आप कोई भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। एंड लास्टली आपकी वीडियो में अगर बहुत ग्रेन्स है तो आप यहाँ से नॉइस को भी रिड्यूस कर सकते हो। मैं आपको एक वीडियो इंपोर्ट करके दिखाता हूँ जिसमें कि लो लाइट की वीडियो कोई हो। मान लो जैसे हमारे पास एक ये क्लिप है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं एंड देखिए इसमें काफ़ी ग्रेन्स आई थिंक। इसको मैं आपको दिखाता हूँ रोटेट करके। तो जस्ट यहाँ पर आएंगे नॉइस रिडक्शन में एंड इसका नॉइस, तो काफ़ी हद तक आपकी वीडियो में से नॉइस को भी रिड्यूस कर देगा। लास्टली आपके पास आता है बीट्स का ऑप्शन, जहाँ पे आपकी बीट्स को ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा एंड आप बीट्स पे कट या फिर इफेक्ट लगा सकते हो। तो जस्ट इस पर टैप करते हैं एंड ये देखिए आप यहाँ से मैनुअली बीट को ऐड कर सकते हो। जहाँ पे भी ड्रॉप आए यहाँ पे ऐड बीट कर सकते हो आप, या फिर आप ऑटो जनरेट कर सकते हो। तो ये आपके म्यूजिक को अपने आप डिटेक्ट कर लेगा एंड ऑटोमेटिक आपके लिए बीट्स बना देगा। ऑटोमेटिक इसने बीट्स में यहाँ पे की फ्रेम डाल दिया, आप देखिए इनके आप स्पीड को फास्ट या स्लो रख सकते हैं। जैसे मान लो आपको हर जगह पे बीट पे कट रखना है तो यहाँ पे आप की फ्रेम यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब आपको जहाँ पर भी की फ्रेम दिखे आप वहाँ पे इसको कट कर सकते हो। तो ये रहे सारे आपके वीडियो इफेक्ट्स। अब आपको दिखाता हूँ कुछ और एडवांस चीज़ें। जस्ट हम यहाँ पे आते हैं, बैक करते हैं एंड जब हमने कोई भी वीडियो को नहीं सेलेक्ट कर रखा होगा तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन दिखते हैं। ये एडिट वाला ऑप्शन हमने देख लिया, ये सारे एडिट वाले ऑप्शन थे। इसके बाद ऑडियो के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, जहाँ पर आप जो है साउंड लगा सकते हो। मान लो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना है तो साउंड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से आप कोई भी साउंड अपने गैलरी में से इंपोर्ट कर सकते हो या फिर जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है कोई आपने सेव किया वो सब आप यहाँ से लगा सकते हो। मान लो मैं यहाँ से ये बीट्स वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको ऐड करते हैं। तो देखो बैकग्राउंड में ये हमारा म्यूजिक लग जाएगा। तो देखो इस तरीके से आप बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट का एक ऑप्शन है। ओके, जो भी आप म्यूजिक लगा रहे हो उस पर कॉपीराइट चेक भी कर सकता है कि आपका म्यूजिक कॉपीराइटेड तो नहीं है। तो ये आई थिंक टिकटॉक के लिए, तो इसको हम छोड़ देंगे, हमारे काम की चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट्स को भी लगा सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट्स पे आप टैप करोगे एंड यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, लाफ वाले हैं, ट्रांजिशंस वाले हैं, मैकेनिकल फ्लाइट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से, जैसे मान लो मुझे ये लगाना फाइट वाला साउंड एक, जैसे हम इसको ऐड करेंगे एंड ये हमारा साउंड आ चुका है। इसको होल्ड करके आप कहीं भी आगे पीछे कर सकते हो। मान लो हमें यहाँ पर ये रखना है तो ये देखिए इसका हम वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं एंड दैट्स इट। इसके अलावा आप यहाँ पे खुद की ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड पर टैप करना है एंड आप जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि सो गाइज ये मेरा वॉइस ओवर है एंड मैं इस क्लिप के ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आप देखिए कैसा लग रहा है ये, एंड जस्ट स्टॉप करेंगे एंड देखिए यहाँ पर मेरी वॉइस आ जाएगी। दैट्स इट, साउंड के ये इफेक्ट्स इसके अंदर हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलते हैं टेक्स्ट के बहुत सारे इफेक्ट। आप अपनी वीडियो में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मान लो हमें यहाँ पर लिखना है और टेक्स्ट लिख देते हैं। मान लो हम इसको आप ऐसे पकड़ के यहाँ से हिला सकते हो। पहले तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। मान लो हमें ये वाला फॉन्ट रखना है तो ये देखिए बहुत ही मस्त फॉन्ट है ये। स्टाइल आप यहाँ से ले कर सकते हो टेक्स्ट का, कोई भी, बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। आप जैसे मान लो ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद इफेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो। आपको अगर ग्लो रखना है टेक्स्ट पर तो आप यहाँ से ये ग्लो वाला टेक्स्ट रख सकते हो। ये वाला टेक्स्ट आपने देखा होगा रील पे बहुत वायरल होता है, तो यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट के इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। फिर आप टेक्स्ट पे एनिमेशन ऐड कर सकते हो कि आपकी इन आउट एनिमेशन कैसी हो। मान लो स्टार्टिंग में फेड इन हो या फिर ऐसे आ जाए, शर्ट ये अच्छा लग रहा है। और टेक्स्ट पे आप लूप में भी कोई एनिमेशन रख सकते हैं। मान लो आप चाहते हैं कि पूरा लूप ऐसे चलता रहे आपके टेक्स्ट पर, या फिर ऐसा चलता रहे, आप देखिए ये अच्छा लग रहा है। ओके, टेक्स्ट को आप किसी शेप के अंदर भी डाल सकते हैं। मान लो एक बबल बनाना आपको ऐसे गुड मॉर्निंग वाला, आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। इसको फिलहाल बंद रखते हैं। तो ये आपको टेक्स्ट का समझ आ चुका है सारा कुछ। टेक्स्ट के अलावा आप यहाँ से स्टिकर्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टिकर चलते रहते हैं। जैसे मान लो एक ये एनिमे इफेक्ट वाला ये चलता है बहुत ज़्यादा, इसको आप जूम करके अपनी वीडियो में ऐसे लगा सकते हो। मान लो ये है,
तो ये जो भी आप ट्रेंडिंग रील्स पे देखते हो ना इफेक्ट, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑलरेडी, और ये सारे स्टिकर कहीं ना कहीं आपकी रील में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे आप कोई एरो दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एरो लगा सकते हैं, या फिर आपको कहीं पर टैप करना है तो ये आप टैप वाला लगा सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें व्लॉग वाले देखो यहाँ पे क्या क्या है। इन सभी स्टिकर्स को आप यहाँ पे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली PNG फॉर्मेट में, या आपको कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अपनी वीडियो में आप ऑटोमेटिक कैप्शन भी कर सकते हैं। मान लो मुझे चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ जाए, तो ऑटो कैप्शन पे चलते हैं एंड फ्रॉम वीडियो, यहाँ पे हम एक स्टाइल चूज़ करते हैं। मान लो हमें इस तरीके का कैप्शन चाहिए एंड स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी ये क्या जनरेट करता है। आई डोंट थिंक ये हिंदी को इतना समझता होगा, लेकिन फिर भी डैम ये कितने अच्छे इफेक्ट कर रहा है टेक्स्ट पे। हालांकि हमारी हिंदी को इतना समझ नहीं पाई, लेकिन जहाँ पे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ इसने परफेक्टली हमारा ऑटो कैप्शन कर दिया। सो बहुत ही सही ऑटोमेटिक कैप्शन भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पर आपको मिलते हैं टेक्स्ट के बहुत सारे टेम्पलेट, जहाँ से कि आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जैसे अपना टेक्स्ट को रिप्लेस करके। मान लो ये यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे मान लो हम ये सोशल मीडिया पर चलते हैं एंड ये एवेंचुरा मॉल लिखा है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपना नाम आई थिंक हम रिप्लेस कर सकते हैं, और एवेंचुरा मॉल की जगह हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे चंडीगढ़ लिख देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठा के उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, और अपना नाम या फिर कोई भी टेक्स्ट वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, ये आपके सोशल मीडिया में बहुत काम आएगा। जैसे आपको लाइक फॉलो शेयर वाली चीज़ कुछ लगानी है, या फिर टाइटल्स आपको लिखने किसी वीडियो के, ओ शर्ट ये तो बहुत ही परफेक्ट है, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें ना जो लोग प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं उनको पता होगा कितनी मुश्किल है सब चीज़ें बनानी, लेकिन यहाँ पे एक प्रीमियर टेम्पलेट आपको मिल जाता है जिसमें बस आपको टेक्स्ट चेंज करना है एंड आपके लिए इफेक्ट बन जाएगा। इसके बाद ऑटो लिरिक्स का ऑप्शन है, जैसे आप कोई म्यूजिक लगाओगे उसमें लिरिक्स को डिटेक्ट कर लेगा एंड ऑटोमेटिक लिरिक्स लिख देगा। एंड ड्रॉ, आप यहाँ से कोई भी हैंडमेड यहाँ पे पेंटिंग आई थिंक ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी। अगर आपको कहीं पर भी स्क्रिबल करना है, जैसे मान लो मुझे दिखाने की ये वाला पार्ट है, तो ये हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ओवरले वाला ऑप्शन आपने देख लिया, मल्टीपल लेयर्स पर आप जैसे काम करते हो तो वो आपको ओवरले से हो जाएगा। एंड फिर आपके पास मिलते हैं इफेक्ट्स, ये बहुत ही काम कीजिए। मैं आपको ना एक फ्रेश वीडियो दिखाता हूँ इंपोर्ट करके। मान लो हमारे पास एक ये वीडियो है, मान लो इसको दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं एंड आपको दिखाता हूँ। अब जो आपके पास इफेक्ट्स का ऑप्शन है ना, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट पे चलते हैं एंड देखिए सबसे पहले वीडियो इफेक्ट्स। पूरी वीडियो में आप ओवरऑल कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये देखिए। ये तो आई थिंक आपने रील पर इतना देखा होगा ना, आप इसको देख देखे पक चुके होंगे, ये सब लोग डालते हैं। यहाँ से आप शेक डाल सकते हैं पूरी वीडियो में, सारे इफेक्ट्स यहाँ पर, बहुत सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट्स हैं यार। ये चीज़ें ना मैनुअली अगर आप बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्री मेड इफेक्ट मिल जाते हैं। ये देखिए शैट TV ऑन इफेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पर आई थिंक ना डेली नए नए इफेक्ट्स भी ऐड होते रहते हैं, जैसे 2024 न्यू ईयर वाले इफेक्ट्स हैं, फिर क्रिसमस वाले हैं एंड अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं। मुझे पर्सनली ये रेट्रो वाले बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे फिल्म वाले इफेक्ट्स हैं, जैसे रेट्रो DVD वाला इफेक्ट है एक, ये कितना क्लासिक लग रहा है ऐसे, या फिर रेट्रो DV2। ये देखिए, तो यहाँ से अपनी वीडियो में आप कोई भी एक फुल वीडियो पे इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि अपनी वीडियो में ऐसे कोई टेक्स्ट लिखना, तो ये देखिए टेक्स्ट आ गया ऐसे लव वाला, स्कैनिंग वाले इफेक्ट हैं यहाँ पे बहुत सारे। कितना सही काम कर रही है ये, कुछ फनी इफेक्ट है, डिस्टॉर्शन वाले, ग्लिच वाले इफेक्ट हैं यहाँ पे। रेट्रो में आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्म वाले इफेक्ट भी आपको दिख जाएंगे, जैसे कि ये देखिए लाइट टिक्स वाला इफेक्ट है एक, देखो हैसलब्लैड कैमरा वाला इफेक्ट है। तो ये लाइट लिक भी काफ़ी अच्छा लगता है अपनी वीडियो में, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मान लो ये हमने इफेक्ट लगा दिया। इसके बाद आपके पास ना बॉडी इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। मान लो आप चाहते हो बस आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट आए, जैसे यहाँ पर ये मेरा पार्ट है, मैं पहले उसको स्प्लिट कर लेता हूँ, छोटा सा पार्ट रखने एक, एंड बॉडी इफेक्ट पे देखें क्या क्या है आपके पास। ये बेसिकली आपकी बॉडी को ना बैकग्राउंड से अलग कर लेगा और फिर आपके बैकग्राउंड में इफेक्ट डाल देगा, जैसे ये देखिए, ये देखिए। तो ये इफेक्ट भी आपकी रील में काफ़ी काम आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे टेक वेक वाली रील बनाते हो तो आपको ना मस्त ऐसे बैकग्राउंड में इफेक्ट डाल सकते हैं इससे। और ये देखिए, ये आपने ऐसे कार वाली वीडियो में बहुत सारा देखा होगा ये इफेक्ट, ये डांसर लोग बहुत यूज़ करते हैं इस टाइप का इफेक्ट। तो इसके अंदर ये इफेक्ट्स ना हर वीक चेंज होते रहते हैं और बहुत ही नए नए इफेक्ट्स ऐड होते रहते हैं, आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट ऐड कर सकते हो। इसके बाद अपनी वीडियो को आप रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको ये फ्रेम अभी वर्टिकल में दिख रहा है, आपको ये यूट्यूब वीडियो एडिट करनी है तो रेशियो में आएंगे एंड हम यहाँ से इसका रेशियो चेंज कर सकते हैं ऐसे, देखो। अब मान लो आपने ये यूट्यूब फॉर्मेट में एडिट किया तो साइड में आपको ब्लैक बार आ रहा है, तो इस ब्लैक बार को भी आप हटा सकते हो। जस्ट आपको आना है यहाँ से कैनवास पे एंड यहाँ से आप कोई भी कलर या बैकग्राउंड चूज कर सकते हो। मान लो हमें बैकग्राउंड में ये कलर चाहिए, रेड या वाइट या कोई भी ऐसा, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो। फिर आते हैं आपके फिल्टर्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए, एंड एडजस्ट में आपको खुद ही मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हो कलर की। इसके बाद आपके स्टिकर्स जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं एंड लास्टली आपका ये कैनवास। तो ये रहे आपके कैपकट के अंदर के सारे ऑप्शंस जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उससे आपकी वीडियो काफ़ी एनहांस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे की फ्रेम वाला बटन, जो कि आपके बहुत काम आएगा अगर अपनी वीडियो में आप की फ्रेमिंग ऐड करना चाहते हो। मान लो मेरी वीडियो यहाँ पर ऐसी है एंड मैं जस्ट यहाँ पे की फ्रेम ऐड करता हूँ, और थोड़ा सा आगे जाके मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा इस बार इसको जूम कर दूँगा। तो अब आप देखिए धीरे धीरे मेरी क्लिप ऐसे जूम होने लग जाएगी यहाँ से, ये देखिए। एंड इवन इस की फ्रेम को हम ईज इन एंड ईज आउट भी कर सकते हैं, मतलब ये रेगुलर एक ही स्पीड में जूम इन ना हो, यहाँ से हम कर्व में चलते हैं एंड अपने ग्राफ यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कस्टम मेड भी हैं, जैसे ये देखिए ये फ्लो वाला ग्राफ है एंड ये फ्लो टू। इसके अलावा आप कस्टम यहाँ से खुद का एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं,
मान लो आपको चाहिए कि स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ही बढ़ जाए लेकिन फिर बीच में थोड़ी सी कम हो जाए, यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक बीट एंड थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। अब आप देखिए प्ले करके, तो इस तरीके से आप कस्टम यहाँ पे की फ्रेमिंग ऐड कर सकते हैं और ये की फ्रेमिंग आपकी बहुत सारी जगहों काम आएगा। जैसे आप कोई टेक्स्ट एनिमेट करना चाहते हो या फिर कोई वीडियो या फिर कोई फोटो भी एनिमेट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको हाँ एक चीज़ मैंने नहीं दिखाई जो कि आपकी ट्रांजिशन, जो कि आपके बहुत ही काम आएगी। मान लो हमारी दो क्लिप्स हैं यहाँ पे और मैं चाहता हूँ इनके बीच में कोई ट्रांजिशन ऐड हो। सपोज हमारे पास ये दो चीज़ें, इस क्लिप से इस क्लिप में चाहता हूँ ट्रांजिशन करना। तो देखिए यहाँ पर आपको ये बटन मिलता है, इस पर आप टाइप करोगे आपके पास बहुत सारी ट्रांजिशन दिख जाएंगी, जैसे कि ये बेसिक ब्लैक फेड वाली एंड ये वाइट फ्लैश वाली ट्रांजिशन। एंड यहाँ से आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब ये ग्लिच वाले इफेक्ट्स हैं, डिस्टॉर्शन वाले हैं, बहुत सारे। आई डोंट थिंक किसी ऐप के अंदर आपको ना इतने सारे ऑप्शन मिलते होंगे ट्रांजिशन के। मेरा फेवरेट ये लाइट वाला है, लाइट स्ट्रोब या फिर लाइट लीक, ये लाइट स्ट्रोब रखते हैं, ये लाइट ग्लेयर रखते हैं ये वाला, ठीक है। एंड इसके साथ में एक साउंड भी है परफेक्टली, जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये ट्रांजिशन लगा दी, इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन कम रखते हैं। एंड आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक साउंड ऐड करके, इसमें जस्ट यहाँ पर आते हैं और हम क्या करेंगे ऑडियो में क्लिक करते हैं एंड इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे ना इन ट्रांजिशन का अलग से साउंड है, ट्रांजिशन पे चलते हैं और जो भी आप ट्रांजिशन ऐड करो उसके हिसाब से आप साउंड भी लगा सकते हो। जैसे ये टेप वाला साउंड एक, यहाँ पे फिल्म सर्च करते हैं और ये देखिए फिल्म प्रोजेक्टर, ये वाला साउंड इस तरीके की ट्रांजिशन में बहुत अच्छा लगता है। इसको थोड़ा सा यहाँ तक रखते हैं और आगे से इसको स्प्लिट करके डिलीट कर देते हैं। अब देखिए और ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा छोटा रखते हैं इसको। अब देखिए तो इस तरीके से अपनी किसी भी ट्रांजिशन में आप साउंड अगर ऐड कर लेते हो ना तो वो और अच्छी लगती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी जाओ अपनी एक वीडियो एडिट करो कैपकट के अंदर एंड मुझे भी ज़रूर दिखाना इंस्टाग्राम पे। अगर आप पोस्ट करो तो हैशटैग एनएस पिक्चर जरूर यूज़ करना और मुझे टैग कर देना अपनी वीडियो में, मैं आपकी वीडियो देखूंगा एंड आई विल सी कि आप कैसी एडिटिंग कर रहे हो कैपकट सीख के। तो इस वीडियो को लिए इतना ही रखते हैं एंड आपको अगर कोई भी चीज़ ना समझ आई तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई कर दूंगा या फिर हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे इसका। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।